Hello students, this is lecture 1 of coal and petroleum. This is 5th chapter of class 8. Today we start on natural resource firstly. First one, what is resource? ऐसे तो रिसोर्स के बारे में आप पढ़े हैं एसएसटी में, लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं. रिसोर्स कहने का मतलब कि वो सोर्स जिसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके, वो रिसोर्स कहलाता है. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय नेचर. रिसोर्सेस, हर वो चीज जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड होता है वो नेचुरल रिसोर्सेस है. दे फॉर्म द वेल्थ ऑफ द कंट्री. ये हमारी देश की संपदा है, धन है, शक्ति है. ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली इनको तो डिवाइड किया जाता है इनहॉक्सिटेबल और एक्सहॉक्सिटेबल. इनहॉक्सिटेबल, देर आर सम रिसोर्सेस दैट आर प्रेजेंट अनलिमिटेड इन नेचर एंड will not be exhausted even if used continuously. Example, sunlight, air. मतलब inhospitable natural resources क्या है? वैसा resources जो हमारे प्राकृतिक में unlimited मात्रा में मौजूद है, जिसे लगातार use भी हम करें तो वो खत्म नहीं होगा, वो हमारा कहलाता है inhospitable natural resources, जैसे sunlight और air. ठीक है, ये renewable natural resources भी है. इनहॉक्सिटेबल नेचुरल रिसोर्सेस को रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस भी कहते हैं. एक्सहॉस्टेबल, एक्सहॉस्टेबल दीज रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड कैन सून एट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज. ये रिसोर्स हमारे प्राकृतिक में सीमित है, अगर इसका अत्यधिक यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे. जैसे में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है. इसको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो पुनः जल्दी इसे वापस बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें बनने में बहुत लाखों साल का समय लगता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में. फर्स्ट, क्योंकि अभी हमने देखा है कि एग्जांपल में फॉरेस्ट, विल लाइफ, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोलियम, ये सब जो एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल फॉसिल फ्यूल के रूप में है. फॉसिल फ्यूल क्या, पहले देख लेते हैं. कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस वेयर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल. मतलब कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, ये मरे हुए ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं. या इसको ऐसे बोले, द फ्यूल विच ऑब्टेन फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल नोन एज फॉसिल फ्यूल. प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन्स से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं. इस फ्यूल को जलाने पर पॉल्यूशन होता है. ठीक है, वार्मिंग ऑफ सच फ्यूल इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. मतलब एयर पॉल्यूशन का एक कॉज होता है जब हम इसे जलाते हैं. देयरफॉर दिस फ्यूल शुड बी यूज्ड ओनली इवन अननेसेसरी. ठीक है, इस फ्यूल का उपयोग हम तभी करें जब हमें जरूरत हो, अदरवाइज नहीं करें, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन होता है जलाने पर. क्योंकि जब हम इस फ्यूल को जलाते हैं तो गैस जो निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब आपके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, यानी इस प्रकार के फ्यूल को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी जरूरत हो तब जलाएं, नहीं तो इससे एयर पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि इस फ्यूल को जलाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट करता है, जिसके कारण आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज कर जाता है. चलिए हम पहला फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, कोयला. इट इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज हार्ड, सॉलिड एंड ब्लैक इन नेचर. ये फॉसिल फ्यूल है जो हार्ड सॉलिड है, जिसका ब्लैक कलर है. मतलब ये फॉसिल कोयल कैसा है? हार्ड, सॉलिड और ब्लैक कलर का होता है. इट फॉर्म ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस. द डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. ये कैसे बनता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनता है. जब घना जंगल मिट्टी के अंदर कुछ नेचुरल फिनोमेना के कारण दब जाते हैं, जैसे भूकंप वगैरह ये सब आ गया, उस कारण जो धरती के ऊपर घने जंगल है वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं. जब वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की लेयर ऊपर पड़ती जाती है, जिस कारण से अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू अ कोयल. जिस कारण से धीरे धीरे जब मिट्टी की परतें मोटी हो जाती है तो वहां हाई
प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो जो प्लांट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे कोयला में, ठीक है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड और वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, यानी जो ये धीमा परिवर्तन है डेड वेजिटेशन का कोयला में बदलने की, इसे हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये आता है इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा, यहां से यहां तक द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोयला का क्या क्या यूज होते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन द रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम। इसका उपयोग, कोयला का उपयोग हम लोग करते हैं खाना बनाने में। पहले रेलवे में इंजन को चलाने के लिए भी हम लोग क्या चीज का उपयोग करते थे, कोयला का उपयोग करते थे। पहले रेलवे के इंजन में एज ए फ्यूल हम लोग कोयला ही यूज करते थे। इट इज यूज इन द थर्मल पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ इसका अभी भी उपयोग हम लोग करते हैं थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहां पे एज ए फ्यूल के रूप में, क्योंकि यही कोयला को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है और इसी हीट से वायलर में रखे हुए वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जो स्टीम टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करने में मदद करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ देख देते हैं। कोल टार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोयला। देखो कोक हो गया, कोल टार हो गया, अब क्या कहते हैं कोल गैस हो गया, ये सब प्रोडक्ट है कोयला का। तो ये सारे प्रोडक्ट कोयला में से कैसे निकलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोयला को लेते हैं और एयर के अब्सेंस में उसको हीट करते हैं। एयर के अब्सेंस में इसलिए करते हैं कि एयर के प्रेजेंस में करेंगे तो कोयला एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और वो जलने लगेगा, ठीक है। और जल के सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा और बाकी जो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है वो सब अलग नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम लोग एयर के अब्सेंस में कोयला को हीट करते हैं। तो जब एयर के अब्सेंस में कोयला को हीट करते हैं तो जो गैस के रूप में निकलता है वो कोल गैस हो गया, और जो लिक्विड के रूप में निकलता है वो कोल टायर हो गया, और जो सॉलिड के रूप में बच जाता है वो कोक होता है, ठीक है। इस तरीके से कोयला के अंदर जितने जो कंस्टिट्यूएंट है उनको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोक क्या होता है। इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, या काफी टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है, मतलब ये काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूत होता है, और ये पोरस मतलब इसके अंदर बहुत सारे एयर कॉलम होते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार का ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का कहिए तो सबसे शुद्ध रूप है। इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड मेनी अदर मेटल्स, इसका उपयोग हम स्टील के एक्सट्रैक्शन में या अन्य प्रकार के मेटल के एक्सट्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। कोल टार, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल, ये आपका ब्लैक और थिक लिक्विड है जिसमें बहुत unpleasant smell होता है। It is a mixture of about 200 substance, इसमें लगभग 200 substance का mixture होता है। The products obtained from coal tar are used as a starting material for dyes, drugs, paints, perfume, etc. जो हमें coal tar मिला है उसका उपयोग हम लोग करते हैं dyes बनाने में, drugs बनाने में, paints बनाने में, perfume बनाने में, और काम में भी हम इस कोल टार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोल गैस। इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोयल टू ऑब्टेन कोक। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। जो आपका कोल गैस है ये भी आपका कोयला को प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त होता है, ठीक है। जब कोयला का प्रोसेसिंग करके हम कोक प्राप्त करते हैं तो उस दौरान हमको जो गैस के रूप में निकलता है उसको कोल गैस कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है एज ए फ्यूल के रूप में, लेकिन ये कोल गैस का उपयोग उन्हीं इंडस्ट्री में होता है जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नजदीक में होते हैं, यानी वैसे इंडस्ट्री जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नजदीक में होते हैं वहां पे कोल गैस एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, ओके। इस तरीके से आपका ये लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।